इस सोमवार के दिन बाबा महेंद्रनाथ को जल चढ़ाने के लिए माझी गंगा नदी तट से जल भरी कर अपने दोस्तों संग बैंड बाजे के साथ पैदल सिवान जिला के मेहदार स्थित महेंद्रनाथ धाम जा रहा था। इस बीच रास्ते में एकमा थाना अंतर्गत मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है कि नौतन गांव के दर्जनों युवक सोमवार के दिन सिवान जिले के मेहदार स्थित बाबा महेंद्रनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सारण जिले के माझी नदी घाट पर पहुंचे थे, जहां से जलभरी करने के बाद बैंड बाजे के साथ वह लोग रात्रि में ही पैदल यात्रा पर निकल गए थे। उस दौरान प्रिंस के द्वारा जलभरी के समय अपना फोटो भी अपने स्टेटस पर लगाया गया था, लेकिन रास्ते में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने उसे रौंद दिया। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा से रंजीता गुप्ता। ये प्रिंस की मौत कैसे हो गई है? प्रिंस कल रात को जा रहा था ये माझी से कांवर लेकर के ये देवघर के लिए जा रहा था, मतलब यहाँ महेंद्रनाथ के लिए जा रहा था। बीच में स्कॉर्पियो वाले ने टक्कर मारा है, जिससे उसकी निधन हो गई है और पूरा परिवार इसमें त्रस्त व्यस्त हो गया है। बहुत गरीब घर का बच्चा है, साथ ही साथ वो इतना गरीब है कि क्या बताया जाए। उसके पिताजी भी मेंटली डिसऑर्डर के शिकार हैं और एक भाई है जो भी मानसिक रोग का शिकार है, एक मम्मी है घर में, दो बुजुर्ग लोग पड़े हुए हैं, बाकी अभी इसके देखने वाला तो कोई है नहीं। क्या माझी से जल उठाया था? हाँ, माझी से जल उठाया था। और मेहंदार जाना था? जी बिल्कुल, जाना था। कौन कौन लोग थे साथ में? उनके साथ में पूरी टीम थी उनकी, कम से कम वो लोग 15-20 लोगों का टीम था और डीजे वगैरह के साथ ये लोग जा रहे थे। रास्ते में एक कहाँ पे दुर्घटना हुई है? ये दुर्घटना हुई है शीतलपुर और एकमा के बीच में एक नौतन का एक नहर पड़ता है, उस नहर के पास ये दुर्घटना हुई। कौन गाड़ी मारा धक्का? स्कॉर्पियो बता रहे हैं। मार के भाग गया? हाँ, स्कॉर्पियो मार करके उसको भाग गया। आप कौन है मृतक? मैं उसका चाचा। नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश। घर? घर नौतन थाना एकमा।